एक तरफ पाकिस्तान है जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की चालाकियां थमने का नाम नहीं लेती हैं। सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच तनातनी जारी है, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत विरोधी जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। दोनों ही मुल्क भारत की सरहदों से सटे हुए हैं और दोनों ही मुल्कों के साथ भारत के रिश्ते इस वक्त नासाज चल रहे हैं। तीनों मुल्कों की कुंडली का अगर एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस किया जाए तो विष योग से लेकर शनि की 7:30 चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि किन ग्रह नक्षत्रों के कारण युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। 20 दिसंबर से पहले पहले क्या भारत की विदेश नीतियों में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? तीनों देशों की कुंडली के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं और इस पर आचार्य मयंक शर्मा जी की ज्योतिष और उनकी ज्योतिष गणना भविष्यवाणी ने क्या कहा, देखिए। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं आजकल कुंडली विश्लेषण के बारे में और आज चर्चा होगी भारत चीन और पाकिस्तान के रिश्तों के ऊपर कि आने वाले समय में क्या पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के ऊपर कोई बड़ा संकट पैदा करने वाले हैं, क्या चीन और भारत का युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो कोई बड़ा हंगामा भारत में करने वाला है या कोई बड़ा घुसपैठ करवाएगा या किसी तरह की कोई हमले करा सकता है, क्या स्थिति रहेगी। जब से भारत और चीन के जो रिश्तों में खटास आई है तब से पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ हथियार उगल रहा है और ये किस हिसाब से हो रहा है ये आज हम आपको बताएंगे। और कुंडली के हिसाब से इस समय क्या इन तीनों देशों की परिस्थिति बन रही है उसकी भी हम चर्चा करेंगे और आने वाले समय में भारत के संबंध चाइना और पाकिस्तान के साथ कैसे रहने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है आने वाले समय में इन तीनों देशों में, ये आज हम आपको बताएंगे। तो दर्शकों, इस समय जो ग्रह की स्थिति बन रही है, सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने देश हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की कुंडली जो वृषभ लग्न कर्क राशि की है और चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है, जो मैंने पहले भी मैं कहता आया हूँ कि मई 2019 से लेके और दिसंबर 20 दिसंबर 2020 तक भारत का समय जो है कुंडली के हिसाब से उतना बेहतर नहीं है। इस समय चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा है जो विषयों का निर्माण करता है। देश में हालात अच्छे नहीं होते हैं, पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, पड़ोसी मुल्क जो है देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, सीमा पार कोई घुसपैठ या कोई हमला हो सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा था चाइना के साथ घुसपैठ से पहले और नेपाल की नापाक हरकतों से पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि आने वाले समय में पड़ोसी मुल्क जो हैं वो भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं या भारत के अगेंस्ट जा सकते हैं या भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो भारत की कुंडली के हिसाब से पड़ोसी मुल्क भारत को धोखा दे सकते हैं, ये मैंने पहले भी कहा था और ये इनकी कुंडली आज बता भी रही है, जो कि स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है। लेकिन यह स्थिति दर्शकों 20 दिसंबर तक रहने वाली है, उसके बाद कोई भी पड़ोसी मुल्क जो है, पड़ोसी देश जो है भारत के खिलाफ जहर नहीं उगल पाएगा, आँख उठाकर देख नहीं पाएगा, सितारे बहुत ही पावरफुल होंगे, सरकार कोई बड़े काम को अंजाम देने वाली है आने वाले समय में और ये समय भी आपको बताऊँगा। अभी उससे पहले ड्रैगन की कुंडली, चीन की कुंडली बता दें जो कि विश्वास पात्र तो नहीं है, चीन हमेशा धोखा ही देता है। मकर लगन की कुंडली है, मकर राशि है, अष्टम में शनि चला गया है और सप्तम में नीच का मंगल है, तो ये स्थिति दिखाती है कि चीन के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना है। चीन जो बोलता है हमेशा उसका उल्टा ही करता है, तो चीन की बातों में आकर अगर वो किसी समझौते को आज करता है तो उस पर यकीन ना मानिए कि वो वैसा ही करेगा, वो उसके अगेंस्ट भी जा सकता है कुछ समय के बाद। तो अपनी बातों से पलटने में चीन माहिर है, ये कुछ सितारे भी उनके बता रहे हैं। और इस समय जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके हिसाब से कौन सा देश भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है, ये जानना चाहा है दर्शकों ने, चीन व पाकिस्तान में से कौन बड़ा खतरा भारत के लिए है। देखिए, अगर आने वाले समय में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बात देखें तो चीनी कुंडली में समय खराब चल रहा है, भारत की कुंडली में समय इतना बेहतर नहीं है। चीनी जो शासक है वो कोई गलत फैसला ले सकता है और जिसका उसको खामियाजा बड़ा ज़बरदस्त भुगतना पड़ सकता है। तो चीन इस समय भारत के लिए बड़ा खतरा कुंडली के हिसाब से बनता हुआ नज़र आ रहा है, खासकर 20 दिसंबर तक
उसके बाद हालात बदल जाएंगे। तब तक चीन कोई भारत के अगेंस्ट कोई बड़ी योजना ला सकता है, लेकिन इसमें वो विफल रहेगा, क्योंकि जो सितारे भारत के बता रहे हैं वो काफ़ी पक्ष के रहने वाले हैं, काफ़ी फेवरेबल रहने वाले हैं, और वो उनको ऊंचाइयां देने वाले हैं। यानी कि अगर भारतीय देश की कुंडली का समय ख़राब ज़रूर चल रहा है, और उधर देश के अगर प्रधानमंत्री की बात करें, क्योंकि उनको सारे फैसले लेने हैं, उनके फैसले बड़े इस समय महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो दर्शकों उनके फैसले के अनुसार से इस समय गृह स्थिति ऐसी बन रही है कि वो कोई बहुत ही ज़बरदस्त फैसले लेंगे, ज़बरदस्त कार्य करेंगे, जिससे कि बड़ा फ़ायदा उनको आने वाले टाइम में देश की जनता को मिलेगा। और कोई भी पड़ोसी मुल्क जो है भारत के खिलाफ़ कुछ नहीं बोल पाएगा, यानी कि किसी भी तरह की बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में ना तो चाइना की तरफ से ना ही पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ हो सकती है, और विश्व के मंच पर इन दोनों को अलग थलग कर दिया जाएगा, ऐसे कुछ सितारे इस समय बताते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक समय बता रहा हूँ जो कुंडली के हिसाब से है, 15 जुलाई से लेके और 20 नवंबर तक का जो समय रहेगा, इस समय के दौरान कोई भारत किसी बड़ी काम को अंजाम देगा, कोई ऐसा कार्य भारतीय सरकार करने वाली है जिससे कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क उनको बहुत बड़ा झटका देने वाली है, उनके खिलाफ़ कोई बहुत बड़ा कार्रवाई होगी। और इस समय के दौरान जो पड़ोसी मुल्क भारत के ख़िलाफ़ कोई षड्यंत्र करेंगे तो उनको बहुत बड़ा परिणाम भी, गंभीर खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, उनके खिलाफ़ सख्त सख्त कार्रवाई होगी, उनको विश्व से अलग थलग कराने का प्रयास किया जाएगा, उनके ऊपर हमले भी किए जाएंगे, उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा अगर कोई भी पड़ोसी मुल्क भारत को इस दौरान परेशान करता है। और किसी भी तरह की अगर घुसपैठ हुई तो भारतीय सरकार की तरफ से कोई बड़ी घटना सर्जिकल स्ट्राइक की तरह उसको भी अंजाम दिया जा सकता है। तो कुछ भी बड़ा होने वाला है, लेकिन ये सब जो स्थिति बन रही है ये 15 जुलाई के बाद बन रही है, ऐसे कुछ सितारे कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान आने वाले समय में चाइना को और पाक को एक होने का उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ेगा भविष्य में, ये कुछ इनके सितारे बता रहे हैं। और एक सवाल ये भी आए कि क्या पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर भारत के खिलाफ कोई साजिश करेंगे, कोई हमला करेंगे? देखिए इस तरह की कोई साजिशन ये कूटनीति के तौर पर कर सकते हैं, और ये दोनों देश किसी भी तरह का हमला नहीं करेंगे। और जो स्थितियां बन रही हैं, ना ही भारत और चाइना के बीच में या पाकिस्तान के बीच में आने वाले समय में युद्ध की स्थिति कोई बनती हुई नज़र आ रही है। हालात बहुत ख़राब रह सकते हैं, बॉर्डर पर हालात गोलाबारी, कोई हमला इस तरह का हो सकता है, लेकिन ये किसी बड़े युद्ध में तब्दील नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। कटु बयानबाजी एक दूसरे देश के खिलाफ चलेंगी, ये सब सितारे बता रहे हैं, गृह स्थिति बहुत ख़राब रह सकती है। लेकिन ये दोनों देश मिलकर भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, भारत को आने वाले समय में पश्चिमी देशों का बड़ा साथ मिलेगा, और जिसके दबाव में चाइना को, अमेरिका को झुकना पड़ेगा और पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा। तो यानी कि भारत की यहाँ कूटनीति पे जीत होगी, और भारत देश का समय जो है आने वाला काफ़ी बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर दोनों देशों के रिश्तों की बात करें, देखिए दोनों देशों के रिश्तों में कम से कम इस पूरे वर्ष के अंत तक कोई मिठास नज़र नहीं होने वाली है। दोनों देशों के, भारत और पाकिस्तान हो चाहे भारत और चाइना हो, उनके रिश्तों में मिठास नहीं रहेगी, इनके काम कारोबार पर भी फ़र्क पड़ने वाला है। भारत सरकार जो है कोई बड़े प्रतिबंध लगाएगी आने वाले समय में चाइना पे और पाकिस्तान के ऊपर, इनके साथ काम कारोबार की स्थिति आने वाले समय में बहुत कम रहने वाली है, यानी व्यापार बहुत कम होगा। और देश की जनता में भी जुलाई से लेके, 15 जुलाई से लेके 20 नवंबर के बीच में बड़ा आक्रोश रहेगा इन दोनों देशों के खिलाफ, और जनता भी मन बना लेगी कि हमें इन देशों के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है और स्वदेशी को अपनाना है। इस नीति पर कार्यप्रणाली तेजी से आगे बढ़ेगी, और जो आने वाले समय में स्थिति बता रही है
कि 2021 में देश में स्वदेशीकरण का प्यार बहुत तेज़ी से चढ़ेगा और सरकार की तरफ से स्वदेशीकरण को लेकर बहुत जल्दी कोई बड़ी नीति आने वाली है कि जो अपने देश में आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं यहाँ पर उसमें छूट दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। तो स्वदेशीकरण का नारा जो है ये आने वाले समय में भारत का प्रमुख नारा रहेगा और एक बड़ा रूप लेगा ये। तो दर्शकों, ये हैं हालात भारत और चाइना और पाकिस्तान की कुंडली को लेकर कि भारत को कोई नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और इन दोनों देशों को बहुत ही ज़बरदस्त खराब परिस्थितियों का सामना आने वाले समय में करना पड़ेगा। पाकिस्तान में हालात बहुत बद से बदतर होने वाले हैं, वहाँ कोरोना वायरस जो है बड़ा रूप लेता जा रहा है और इमरान सरकार पर भी संकट के बादल छाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ासकर मैं आपको बता दूं कि 23 सितंबर के बाद जैसी राहु केतु का परिवर्तन होगा तो इमरान खान सरकार पर बड़े संकट के बादल छाएंगे आने वाले एक साल के लिए। यानी कि 2021 में या 2020 के अंत में पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी वहाँ अप्रिय घटना या सत्ता परिवर्तन हो सकती है। इस तरह के हालात जो हैं वहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और दर्शकों, चाइना में भी बहुत विरोध रहेगा वहाँ की सरकार के प्रति, जनता भी वहाँ आक्रोश में रहेगी, तो चाइना में भी हालात कोई बहुत बेहतर नहीं रहने वाले हैं। वहाँ भी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई बड़ी महामारी फैल सकती है और कोई बीमारी दोबारा ये आ सकती है, तो चाइना में भी हालात इतने बेहतर रहते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और भारत के साथ इन दोनों देशों के संबंध भी आने वाले समय में इतने बेहतर नहीं रहेंगे। तो ये कुछ इस समय गृह स्थिति के अनुसार से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत का इन दोनों देशों के साथ संबंध कैसा रहेगा। तो दर्शकों, अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड में कुछ और इसी जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।